हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिटिंग में चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को दोनों को टोटल मिलाकर जो आपका वेटेज दिया हुआ है वो है 25%। चैप्टर नंबर 8 है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज 1, एंड चैप्टर नंबर 9 है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज 2। दोनों का टोटल वेटेज 25% है। अगर हम इस पूरे ऑडिट की बात करें तो वाउचिंग वाले जो चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इजी हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है। इवन आप वाउचिंग देखो उससे पहले भी एक बार इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो देख लेना। आप कोई भी चैप्टर देखो लेकिन इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले आना चाहिए। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। चलिए सो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो बिजनेस में बहुत सारी असेट्स होती हैं या बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। उनका जो वैल्यू है वो प्रॉपर है या नहीं है वो देखने के लिए हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स करते हैं। एक ऑडिटर को ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो भी बिजनेस में असेट्स हैं वो प्रॉपर वैल्यू पर दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए हैं। अब पहले इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं। द ऑडिटर हैज़ टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। एक ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना होता है, एक सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ या प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाया गया है वो प्रॉपर है या नहीं। सपोज़ करो एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा रही है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट में शेयर्स लिए हुए हैं। अब उस कंपनी ने 1,00,000 रुपीज़ के शेयर्स लिए थे आज से 5 साल पहले और कंपनी आज तक अपनी बैलेंस शीट में उन इन्वेस्टमेंट्स को 1,00,000 दिखा रही है। बट अब उन शेयर्स की वैल्यू मार्केट में 25,000 रुपीज़ हो गई है, वो शेयर रिड्यूस्ड हो गए। कंपनी ने ये शेयर्स बेचे नहीं हैं बट कंपनी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। सो एक ऑडिटर को असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन भी निकालना होता है और वो भी बताना होता है। नाउ मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन में पहले देखें। वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रुथ। ट्रुथ का मीनिंग है सच्चाई बताना। इट मीन्स वेरीफाइंग द ट्रुथ ऑफ द एग्जिस्टेंस वैल्यूज ऑफ ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। अब सपोज करो कंपनी ने एक मशीन ली थी, एक प्लांट लिया था लास्ट ईयर 1,00,000 रुपीज़ में और ये 10,000 डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करके 90,000 दिखा रहे थे। बट ऑडिटर को लगा कि 10% डेप्रिशिएशन बहुत कम है, इस प्लांट का डेप्रिशिएशन कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। तो कंपनी अपने एक्सपेंस कम दिखाकर, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखाकर शेयर होल्डर्स को ये दिखाते हैं कि वो प्रॉफिट में हैं। सो एक ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू शेयर होल्डर्स के सामने लेकर आए, एक ट्रुथ शेयर होल्डर्स के सामने लेकर आए। बिफोर एन ऑडिटर साइन हिज रिपोर्ट ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट शोज इन द बैलेंस शीट इन फैक्ट आर इन एग्जिस्टेंस दे आर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट्स। अब साथ में ये भी उसे श्योर करना होता है कि जितनी भी असेट्स बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है वो उस क्लाइंट के नेम पर है या नहीं है, मीन्स वो उसका रियल ऑनर है या नहीं। इसका एग्जांपल देता हूँ। अब आप बोलोगे सर एसेट्स होंगे तो क्लाइंट के नेम पर ही होंगे, तो ऐसा नहीं होता। सपोज़ करो इस कंपनी ने एक कार ली इंस्टॉलमेंट में, 1,00,000 रुपीज़ एडवांस दिए, डाउन पेमेंट दिया और बाकी के इंस्टॉलमेंट रखवाए। अब इंस्टॉलमेंट थे 5 साल के और इन्होंने 6 महीने 8 महीने इंस्टॉलमेंट भरे फिर भरना छोड़ दिया। अब सामने जिस बैंक ने लोन दिया था वो आए और कार उठाकर ले गए।
अब देखो, कंपनी ने कार खरीदी, कंपनी के पास बिल भी है कार का, एविडेंस भी है परचेज किया, बट उनके पास कार है नहीं, क्योंकि वो कार क्या होगा, बैंक उठाकर ले जाएगी। अगर दो या तीन चार इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, बैंक नोटिस देगी और फिर कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आएगी और कार उठाकर ले जाएगी। अब कंपनी दिखा रही है बैलेंस शीट में हमारे पास कार है, कहाँ है? सो ये भी एक ऑडिटर को देखना होता है कि जितनी भी असेट्स कंपनी क्लेम कर रही है वो उनके पास है या नहीं। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस कुछ एक्सपर्ट्स ने दी हुई है। जब भी आप कोई डेफिनेशन देखोगे वो आपको वर्ड बाय वर्ड सेम लिखनी होती है। फ्रॉम द डेफिनेशंस इट कैन बी इंटरफेयर्ड दैट वेरिफिकेशंस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, द एसेट्स आर प्रॉपरली वैल्यूड, एसेट्स की वैल्यूएशन प्रॉपरली होनी चाहिए। The assets are acquired for the business, that is its ownership and positions are checked that the assets actually exist, सही में assets होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनके book में हो और car पड़ी है bank के पास। Whether there is charge on assets or not, asset के ऊपर कोई loan ले रखा है या गिरवी रखा है तो वो भी बताना होता है। इट्स बैलेंस टैलीज विद दैट शोन इन द बैलेंस शीट। सो एक ऑडिटर को हर एक एसेट्स को वेरीफाई कर चेक कर दिखाना होता है कि वो एसेट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं और उनका वैल्यूएशन कैसा है हर एक चीज़। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सिर्फ आप रीड ओनली में रखते हैं, ये सिर्फ आप एक बार रीड कर लोगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको सिर्फ रीड ओनली करवाता हूँ, एक बार रीड करने हैं। इम्पॉर्टेंस फॉर एडवांटेज ऑफ वेरिफिकेशन। अब एडवांटेज क्या है, जब भी हम चेक करते हैं तो उसके एडवांटेजेस कौन से होते हैं? सो एडवांटेजेस में कौन कौन से एडवांटेजेस दिए हुए हैं? बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू आएगी एसेट्स की, कोई फ्रॉड होगा तो वो मिल जाएगा, परचेज या सेल एसेट्स के हुए होंगे उसमें कोई फ्रॉड होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, क्योंकि शेयर होल्डर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। सपोज़ करो मैं किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहा हूँ, कोई भी ABC कंपनी है उसके शेयर्स खरीदे हैं, तो उनके पास कितने एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये एक क्लियर पिक्चर होती है एक शेयर होल्डर के लिए। क्रेडिटर्स का ट्रू वैल्यू होना चाहिए या डेटर्स का ट्रू वैल्यू होना चाहिए? कंपनी अपने डेटर्स दिखाती है कि इनके पास डेटर्स हैं, बट सपोज करो मेजॉरिटी डेटर्स का बैड डेब्ट्स हो चुका हुआ होता है तो वो भी क्लियर दिखना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, ये एडवांटेजेस हैं। साथ में ये देखना है कि जो अकाउंट के प्रिंसिपल्स हैं जनरल प्रिंसिपल्स वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आप रीड ओनली रखोगे, ऑडिटर्स ड्यूटी को भी रीड ओनली रखोगे। ओके, अब ये आप देखोगे कि वाउचिंग किसे कहते हैं और वेरिफिकेशन किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। वाउचिंग, द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग का मीनिंग होता है वाउचर्स को चेक करना कि वो ट्रांजेक्शन्स हुआ है या नहीं हुआ है। एंड वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट है या नहीं है। सपोज करो कार ली, वाउचर है उसका, बिल है, एविडेंस है, बट रियल में कार है या नहीं है वो वेरिफिकेशन से पता चलेगी। गुड्स परचेज किए, ठीक है, बिल है, लेकिन रियल में गुड्स हैं या नहीं है वो वेरिफिकेशन से पता चलेगी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। समझो एक मोबाइल का बिजनेस करने वाला है, उसने 100 मोबाइल्स खरीदे, उसके खरीदते ही दूसरे दिन उन मोबाइल्स की वैल्यू 1000 रुपीस रिड्यूस हो गई। अब क्या हुआ, मोबाइल खरीदे हैं, बिल है, वाउचर है,
बट वैल्यूएशन क्या हो गई, 100 मोबाइल्स हैं, एक दो नहीं है, 1000 रुपीस अगर एक मोबाइल की वैल्यू गिर जाए तो 1 लाख रुपीस का रिडक्शन आ जाएगा वैल्यूएशन में। सो वैल्यूएशन की मीनिंग होती है कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं क्या कंपनी उनका प्रॉपर वैल्यूएशन दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। सो आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एसेट्स, किस किस टाइप के एसेट्स होते हैं, तो ये आप स्टैंडर्ड 11 से पढ़ते आ रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड वेस्टिंग एसेट्स। करंट एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्लासिफिकेशन है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। आपने स्टैंडर्ड 12th में भी, कंपनी अकाउंट्स में भी ये चीज़ सीखी है कि सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, देन करंट एसेट्स, देन फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये एसेट्स 11th एंड 12th से हम सीखते आ रहे हैं। ये एसेट्स कौन से हैं ये आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं। इसमें ये जो वेस्टिंग एसेट्स हैं इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ओके। सो ये है करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, ये रहे वेस्टिंग एसेट। देखो वेस्टिंग एसेट्स कैसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, वेस्टिंग एसेट्स आर दोज फिक्स्ड एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। दीज एसेट्स लूज देयर वैल्यू ग्रेजुअली ड्यू टू कंटिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ, कंटिन्यूस ऑपरेशंस की वजह से इनकी एसेट्स की वैल्यू जीरो हो गई। फॉर एग्जाम्पल अ माइन और एन ऑयल वेल, एक कोल माइन है या एक ऑयल का वेल है, वेल यानी कुआं, उसमें से पूरा ऑयल निकाल दिया तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो हो जाएगी। कोल माइन है, पूरा कोल निकाल दिया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप एसेट्स, ये आपने 11 12th में किया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अब लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। मैनी टाइम कंपनी क्या करती है, अपनी पूरी लाइबिलिटीज़ नहीं दिखाती, अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करके दिखाती है। तो यहाँ पर है कि असेट्स को भी देखना है तो साथ में लाइबिलिटीज़ को भी देखना है। ये लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर है इन कनेक्शन विथ वैल्यूएशन, ये कंपनी लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटी है। तो ऑडिटर को क्या क्या चेक करना होता है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल कितनी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। बहुत सारे लोग दिखाते हैं हमारे पास 1 करोड़ का स्टॉक है, पता चलता है आधे से ज़्यादा डेड स्टॉक बढ़ा हुआ पड़ा है, ठीक है। सो इन सब बातों का भी एक ऑडिटर को ध्यान रखना होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे दिखाते हैं कि उनकी मार्केट में गुडविल है, गुडविल का वैल्यूएशन दिखाते हैं, लेकिन उनकी मार्केट में कोई गुडविल होती नहीं है। या लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है तो कितने साल के लिए ली है, कितना लीज पे किया है, कितना पे करना बाकी है, तो वो सब पॉइंट्स हमें यहाँ देखने होते हैं। चलिए, सो यहाँ पर ये सारे एसेट्स दिए हुए हैं, गुडविल ये रीड ओनली में ले लेना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट मशीनरी क्या होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड से समझा है, ये एक एसेट्स होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था उसका डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन के मैथड्स होते हैं, फिक्स्ड मैथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। तो कंपनी ने प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी के पास शेयर्स होंगे या स्टॉक होंगे, उनकी वैल्यू मार्केट में रिड्यूस हो गई है या इंक्रीज हो गई है। मैनी टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 20-20 साल पहले 1 लाख रुपए के स्टॉक्स लिए थे, शेयर्स लिए थे, और आज उनकी वैल्यू करोड़ों में हो गई है। तो ये सब भी हमें देखना होता है, एक ऑडिटर को देखना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब ही क्लोजिंग स्टॉक होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑडिटर को बताते हैं मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक है। सपोज़ एक मेडिकल स्टोर बोला है 1 करोड़ का स्टॉक है मेरे पास, बस पता चला आधे से ज़्यादा स्टॉक्स तो, या आधे से ज़्यादा मेडिसिंस या दवाइयाँ या इंजेक्शंस ऐसी हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। एक्सपायर हो जाने के बाद उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो प्रॉपर इन्वेंट्री का लिया गया है या नहीं लिया गया है,
तो ये सब भी एक ऑडिटर को देखना होता है। अगर एक ऑडिटर हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहा है और पता चला हॉस्पिटल दिखा रही है 1 करोड़ की मेडिसिन्स हैं और उसमें आधे से ज़्यादा मेडिसिन्स एक्सपायर हो चुकी है, तो वो उनको लॉस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने असेट्स का कर दिया। ठीक है, सो ये आप स्टॉक्स वाले पॉइंट अब आगे देख लेना कि स्टॉक्स का ये रीड ओनली में रखना, सिर्फ स्टॉक्स वाले पॉइंट। ठीक है, अब कंपनी के पास कुछ ऐसे बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स पेएबल हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं। अच्छा, बहुत बार है ना कंपनी ऐसा भी कर लेती है, कोई लायबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है और वो बुक्स में दिखाती नहीं है। कैसे? सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरे फ्रेंड को लोन चाहिए, बैंक ने कहा एक गारंटर लेकर आओ, मैंने गारंटी में साइन कर रखा है कि अगर मेरा फ्रेंड आपको लोन नहीं देगा तो मैं चुकाऊंगा। अब पता चला वो नहीं चुका रहा है तो वो लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ऐसी लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बुक्स में नहीं दिखती क्योंकि उसका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक गारंटी साइन की हुई है, बट रियल में होती है और जब पे करनी होती है तब पता चलता है कंपनी लॉस में चली गई। क्यों? कंपनी ने 50 करोड़ की 100 करोड़ की गारंटी दे रखी थी किसी को, या कंपनी के लोन्स कितने हैं, सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, ये सब भी देखना होता है। सो एक ऑडिटर को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि एक ऑडिटर को जितनी भी एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, हर एक को ध्यान से देखना होता है, उनका वैल्यूएशन देखना होता है, उनकी मार्केट वैल्यू देखनी होती है, उनकी बुक वैल्यू देखनी होती है, कंपनी ने कोई गारंटी तो नहीं दी, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है, कंपनी ने जो स्टॉक लिया है वो स्टॉक का वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है। कहने का मतलब एक ऑडिटर को हर एक चीज़ चेक करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर नंबर 8 था आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 करवाऊंगा। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूं। अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, डिटेल्स आपको ऑलरेडी दी गई है या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का चैप्टर करेंगे।